गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो इन लास्ट लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड अप टू एक्सरसाइज 4.4. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 4.5. तो ध्यान से देखिए कि 4.5 को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो ये हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अपना मल्टीप्लीकेशन चैप्टर कर रहे हैं और आपको आई होप कि आप लोग को अच्छे से मल्टीप्लाई करने आ गया होगा टू डिजिट का. ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि हम इसे फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन क्या है. तो क्वेश्चन नंबर वन है 12 × 17 = 12 × 10 + some missing word है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फील करना है. ठीक है, तो ध्यान दीजिए. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है. तो इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है. तो देखिए ये 12 × 17 है. ठीक है, 17 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा 17 है ना. ठीक है, ये देखिए यहाँ 12 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस क्या लिख सकते हैं, 7. ठीक है, 10 प्लस 7 लिख सकते हैं. ठीक है, तभी तो ये 17 होगा ना, 10 + 7 = 17. ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया है, 12 × 17 और 17 को क्या किया है कि 10 प्लस फीलिंग द ब्लैंक्स है, तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे, 7. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 फील हो गया. अब देखिए दूसरा वाला स्टेप. ठीक है, अब यहाँ पे 12 × something है, फिर 12 × filling the blanks है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे, तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए 12 × 10 + 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन हो गया. ठीक है, यहाँ पे हम 7 फील कर दिए. तो अब देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें 12 का मल्टीप्लाई 10 से करना होता है और फिर 12 का मल्टीप्लाई 7 से करना होता है. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, तो अब देखिए 12 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 × 10. ठीक है, और यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन देंगे, उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई हम वापस से किसके साथ करेंगे, 7 के साथ. ठीक है, यानी जो यहाँ पे होता है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको पहले टर्म के साथ फिर दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 12 × 10 + 12 × 7. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या फील करेंगे, तो 12 × 10 और 12 × 7. ठीक है, यहाँ पे 10 और 7 फील करेंगे. अब देखिए लास्ट में क्या हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 12 और 10 12 10 कितना होता है, 120. ठीक है, और 12 7 कितना होता है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमें तो हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 7 फील करेंगे, यहाँ 10 फील करेंगे, यहाँ फिर से 7 फील करेंगे, तो ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर करके हम नीचे में लिखेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, तो ध्यान दीजिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है ना, तो 12 × 10 + 7. ठीक है, फर्स्ट वाला लाइन. ठीक है, सेकेंड वाले लाइन में क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये फिर टर्म सेकेंड के साथ, पहले फर्स्ट टर्म के साथ फिर सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो देखिए फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, 12 × 10. ठीक है, और सेकेंड टर्म के साथ होगा तो ये प्लस है तो प्लस साइन, 12 × 7. ठीक है, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 120. ठीक है, अब देखिए 120 यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ऐड का साइन है, तो एडिशन करेंगे, फिर 12 × 7. ठीक है ना, 12 × 7 क्या होता है, 12 × 7 = 84. ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 120 + 84 को हम ऐड कर लेंगे. ठीक है, 120 + 84 तो ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा, 4, फिर 0 1 2 204. ठीक है, कितना हुआ, 204. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 204. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये
सारे इक्वेशन को इसमें फिल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हम क्या फिल करेंगे, सेवन। ठीक है, ये देखिए यहाँ सेवन है। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या फिल करेंगे, 12 × 10 और सेवन। ठीक है, यहाँ पे 10 और यहाँ पर 7। ठीक है, जो यहाँ पे रहता है उसको हम नीचे में फिल कर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ ब्रैकेट में आता है ना उसी को हम दोनों जगह फिल कर देते हैं, और फिर 12 का मल्टीप्लाई 10 से और फिर 12 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 12 × 10 = 120। ठीक है, 120 और फिर 12 × 7 = 84। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 204, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो जैसे ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, एक दो बार देखिए फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसको 36 है तो 36 को यहाँ पे तोड़ना है, तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन को बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।